नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को उखाड़ फेंकने का ऐतिहासिक फैसला लिया और पूरी दुनिया में खलबली मच गई, खासकर पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान में। उसने इस मुद्दे को दुनिया भर में इतना उठाया, इतना गाया कि अब पाकिस्तान खुद ही पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है और जबरदस्ती ही पाक पीएम इमरान खान समेत उनके मंत्रियों ने इस मामले को इतना तूल दे दिया कि खुद ही अपनी फजीहत करा ली और 2-3 देशों को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी नजर आई। और अब जब 31 अक्टूबर को 5 अगस्त को लिया गया फैसला लागू हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गए, तो भारत सरकार की तरफ से इसका एक नक्शा भी जारी कर दिया गया है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया है। साथ ही एक और दिलचस्प बात इस नए नक्शे के जरिए देखने को मिली है, जिसके जरिए पाकिस्तान को, चीन को भारत सरकार ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वो ये कि इस नक्शे में पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद को विशेष तौर पर इंगित किया गया है। ऐसा नहीं है कि नए नक्शे में भारत की सीमा को कम या ज्यादा किया गया है, सीमा तो उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन इस नए नक्शे से पहले मीरपुर और मुजफ्फराबाद को स्पष्ट तौर पर दिखाया नहीं जाता था। इस नए नक्शे में जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले दिखाए गए हैं, जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। लद्दाख में भी 2 जिलों को अलग से दिखाया गया है, करगिल और लेह। गिलगित बाल्टिस्तान के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को नक्शे में लेह का जिला दिखाया गया है। लेह जिले में पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास, ट्राइबल टेरिटरी और पाकिस्तान की तरफ से चीन को दिए गए अक्साई चीन को भी शामिल किया गया है, जिससे पाकिस्तान और चीन के मन में खतरा पैदा होना तय है। भले इन जिलों को नक्शे में इंगित नहीं किया गया है, अब इंतजार है तो पाकिस्तान और चीन की तरफ से इस नक्शे पर प्रतिक्रिया आने का, क्योंकि जब भारत अपने नक्शे में मीरपुर और मुजफ्फराबाद को दिखा रहा है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में करने की बात ने तूल पकड़ा था, बल्कि यहाँ तक कहा जाने लगा था कि भारत की नजर अब सीधे भारत के उस हिस्से पर है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो हर लिहाज से पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब पाकिस्तान और चीन तय करें, चाहे साथ रहकर या फिर अलग अलग, कि उन्हें भारत के इस नए नक्शे से कैसे डील करना है। भारत सरकार ने तो दुश्मन देशों को नए नक्शे के जरिए आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी वापस लेकर रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले में लद्दाख का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक लेह और दूसरा करगिल। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है।